ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 15 मई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल हमने देखा वीकली एक्सपायरी का दिन था, काफी वोलेटाइल मार्केट था। सुबह 10 बजे के बाद एक फ्लैट नोट पे निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स भी एक फ्लैट नोट पे ट्रेडिंग करता है, ये कुछ 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं। तो एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रेड हो रहा था, तो काफी एक एब्सर्ड मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट में देखेंगे ये क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन उससे पहले जो कल एक स्टेटमेंट आया था WHO की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस में नेवर गो अवे, यानी अगर दवाई भी मिलती है तो भी ये हमारे बीच में रह सकता है, तो हमें अभी आने वाले समय में काफी प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर जीना पड़ेगा, और हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी जो है वो बिजनेस है, इसको भी हमें इस वायरस को संभाल के इसको भी हमें आगे ले जाना है। तो ये काफी बड़ा बयान था WHO की तरफ से। और दूसरी तरफ पार्ट 2 इकोनॉमिक पैकेज का फिर से फाइनेंस मिनिस्टर ने शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसमें अनाउंस किया, तो काफी कुछ राहत भरी चीजें लोगों के लिए इन्होंने बताई, लेकिन ये सब कुछ राहत पैकेज शुरू फ्री में जाने वाला था, इसके रिटर्न में कितना कुछ मिलने वाला है सरकार को, क्या इसके थ्रू इनकम जनरेट होगा सरकार के लिए, तो ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कोरोना वायरस दवाई मिलने के बाद भी अगर हमारे बीच में रहेगा और अगर बिजनेस फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो रिकवरी है, जो इकोनॉमिक में बूस्ट है, वो आने में काफी देरी हो सकती है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी कहा कि यहाँ से वी शेप रिकवरी देखना काफी मुश्किल लग रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर काफी टाइम चला जाए, जो लेवल पे इकोनॉमी थी उसको फिर से एक बार हासिल करने में काफी टाइम लग सकता है। तो ये था ग्लोबल मार्केट का अभी तक का जो न्यूज आ रहे थे उसका इफेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे। यह कल का पिक्चर है, यानी 14 मई आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 9293 और ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 9440। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है, और फिर से वहां पर एक चॉपी मूव हमें देखने को मिल रहा था। तो कल भी काफी गैप डाउन ओपन यहाँ पर ओपन हुआ, सेकेंड टारगेट के नीचे ओपन हुआ मार्केट, और फिर से ये जब बाउंस बैक कर रहा था तो अराउंड ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो सेकेंड टारगेट के पास इसने एक छोटा सा पॉज लिया था, उसको ब्रेक करने के बाद ये फिर से और भी टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ, और जैसे ही इसने ये जो दिन का लो लगाया था इसके नीचे ये सस्टेन करने लग गया, तो कुछ लास्ट आवर्स में निफ्टी इंडेक्स और भी बुरी तरह से टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। काफी चॉपी मार्केट इस समय चल रहा है, काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देखते रहते हैं। कल US मार्केट में नासडैक करीब 80 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ, रीओपनिंग मार्केट में देखने को मिल रही है, तो इसका अच्छा खासा असर US मार्केट्स में देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर जबरदस्त कमजोरी देखने को मिली। एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं, तो SGX निफ्टी हल्की से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 60 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट भी 55 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है।
डाव फ्यूचर को देखिए तो 42 पॉइंट की इस समय कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल एशियाई बाजार मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट में जो रिकवरी आई थी, इसका बॉटम और टॉप पकड़ के ये लेवल्स को ड्रॉ किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को। तो आज हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो नीचे 38.2% 8980 के पास ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये लेवल जहाँ पर इसने पास्ट में 2 वीक्स एक सपोर्ट टेस्ट किया था, हो सकता है इस लेवल के पास फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करें। अगर स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो अभी यहाँ वीकली चार्ट में भी ये मूविंग एवरेजेस जो है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अभी इसका पैटर्न बन रहा है। यानी अपसाइड जब भी होता है तभी इसका पैटर्न होता है, अपसेंडिंग ऑर्डर्स में ये होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और उसके बाद लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है। अभी यहाँ पर इस सेम इसके उल्टा है, यानी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। तो स्टिमुलस पैकेज कितना भी, राहत पैकेज कितना भी यहाँ से ऐलान हो, लेकिन जब तक ये कोरोना वायरस का असर कम नहीं होता और बिजनेस फिर से फुल फ्लेज चालू नहीं होते, तो यहाँ पर इकोनॉमी में, मार्केट में एक कमजोरी देखने को मिल सकती है। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में अगर आप ये देखें तो कई सारे दिनों से, यानी लगभग मिड अप्रैल से, ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। तो जब भी इन मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसता है तो एक कंसोलिडेशन फेज या ऑलमोस्ट स्लगिश पैटर्न इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है और उसके इनवर्ट हमें पूरे दिन भर ये ट्रेड देखने को मिलता है। अभी 2 दिन का ये ट्रेड देखे तो ऊपर ये गैप अप ओपन हुआ था 50 EMA के पास, इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और कल जब भी ओपन हुआ तो डायरेक्ट 20 EMA के नीचे ये ओपन हुआ, और ऊपर जाते वक्त फिर से एक बार इसने ये जो 20 EMA है, यानी ऑलमोस्ट 9240 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर आप इसे RSI के साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो अभी RSI को देखें तो फिर से इसने एक बार लोअर हाइज बना दिया, यानी लास्ट जो हाई था इसके नीचे ये हाई बना दिया। अगर ये जो अपसाइड मूव आया था तभी अगर आप RSI को देखें तो ये हायर हाइज बना के चल रहा था, ये देखिए, लेकिन अभी इसने लोअर हाइज बना दिया है। तो यानी यहाँ पर हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बुल्स का जो कंट्रोल है, जो उसका एक्ट है इस ट्रेडिंग फेज में, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर ये जो लेवल है, यानी 8980 को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे निफ्टी इंडेक्स फिर से 8700 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है निफ्टी इंडेक्स का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल अगर आप देखें तो ये जो लास्ट आर का ये ट्रेडिंग था, इसमें इसने ये जो इनसाइड बार ट्रेडिंग, यानी पिछले जो 1 घंटा था, इसका हाई और लो इसने ब्रेक नहीं किया। तो इसका जो लो था, यानी ऑलमोस्ट 9116 के पास ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। तो इस लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9080, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9054, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ऊपर की तरफ इसका अगर हाई, ये इनसाइड बार ट्रेडिंग का ये जो रेंज है, इसका अगर हाई ब्रेक करता है, यानी 9188 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9218, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, यानी 9242, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।